हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में आज 3 दिवसीय ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में धूमधाम से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गुलाब साहनी ने कराटे के छोटे खिलाड़ियों को हैंडशेक कराकर सोफाइट करा के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मीडिया से बात करने पर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी योगेश कालरा ने बताया कि इस नेशनल चैंपियनशिप में पूरे भारत वर्ष के 25 अलग अलग राज्यों से लगभग 1,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और मेडल जीतने कर अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने के लिए मैदान में कड़ी मेहनत कर अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस राष्ट्रीय स्तरीय चैंपियनशिप में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी लिखा तारा, दोसा मुंगा, वैकुंठ सिंह, जयदेव शर्मा, साई ब्रूच, अमित गुप्ता आदि शामिल हुए हैं। इस नेशनल चैंपियनशिप में शामिल बच्चे छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान दिलाएंगे। एसोसिएशन के जितनी भी कोच की बदौलत से आज ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित हो रही है, मैं सभी हरियाणा के वॉलंटियर का स्पेस छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले ट्रेनिंग कैंप कराया, शेड्यूल कराया, कोचिंग लोग को गाइड किया, कैसे बच्चे को ले जाना है, कैसे बच्चे को एवरी डिसिप्लिन हम लोग बच्चे को डिसिप्लिन गेम है और एक टूर्नामेंट में मेडल जीतना ही नहीं है। कराटे को हम लोग ऐसे ले जाए कि वो लाइफ में उसका लाइफ का आग में अप टू डेट तक काम आए, उसका हर जीवन का हर क्षेत्र में कराटे काम आए, उसका डिसिप्लिन, उसका मोटिवेशन, उसका डेवलपमेंट हर चीज काम आए। हम लोग 104 बच्चे 4 पार्टिसिपेंट्स आए, हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ से आए करके 36 गोल्ड मेडल होना ही चाहिए, इसलिए हमारा जो है ऑलिंपिया ट्रेजर अमिताभ भाई का अलग सहायक चक रहा और हमारा जो प्रेसिडेंट है सुशील जी हमेशा एक्टिव रहा, शांत आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बहुत अच्छे आदमी है। हमारे साथ एक बड़ी खुशखबरी है, मैं अंदर से इतना उम्र हो गया मैं देख रहा हूँ हमारा जो छत्तीसगढ़ में सारा कोचेस का सारा इसका इतना गुड अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बहुत कम देखा हूँ इतना गुड अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग कोई भी काम होता पहले डिसाइड करते ज्वाइंटली तब जाके काम करते, इसीलिए हम लोग हमेशा सक्सेस होते हैं। हमारा स्टेट में यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ, आपने काई का नेशनल हुआ, सारा इंडिया ने देखा कि छत्तीसगढ़ कैसे दिखाया। भैया हरियाणा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आयोजन करता आप क्या कहना चाहेंगे? आयोजन करता बहुत मेहनत से किए हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा ओलंपिक महासभा में बुलाए हैं और जो जो स्पोर्ट्स कराटे के लिए कि जो जो आपका चीफ गेस्ट होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को उन्होंने स्टेज में लाया, बच्चों के सामने खड़ा हुआ, बच्चे भी उत्साहित हुए और उनका नेक्स्ट कार्यक्रम भी उन्होंने बना के रखे हैं कि बच्चों को लाइफ में कैसे हर चीज में सफलता मिली। बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है, लगभग पूरे देश के 2000 खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स भी आए हुए हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग यहाँ के हरियाणा की पावन पवित्र धरती पर बहुत ज़्यादा खुश है। पंचकुला में जो ये हमारा इवेंट हो रहा है उसके लिए मैं सक्सेस हमारी पूरी टीम को देना चाहूँगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब वैकुंठ जी को देना चाहूँगा बधाई, हमारे ट्रेजरर साहब अमदास सेठी जी को बधाई देना चाहूँगा, टेक्निकल संभाल रहे हैं जयदेव शर्मा जी और साई ब्रूस जी और पूरी हमारी टीम जो हमारे साथ हमारे रिलेटेड सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। कितना सक्सेसफुल इवेंट, बहुत जो समुद्र तरीके से पूरे इसमें चल रहा है, खिलाड़ियों को बहुत आनंद आ रहा है, खाने पीने का भी रहने का भी हर चीज़ का मजा ले रहे हैं खिलाड़ी और बहुत खुशी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हमारे खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से खेल रहे हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे देश के कराटे खिलाड़ियों को और काई की तरफ से और हमारी हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे की तरफ से कि आज ये सभी स्टेटों से अपनी स्टेट खेल के आए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, इसके बाद ये नेशनल खेलेंगे, इसके बाद बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी लीग करने वाले हैं जिसमें खिलाड़ियों को एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छा नाम देने वाले हैं और इसके बाद और बहुत सारी जो हमारी सबसे मेन अचीवमेंट है जो खिलाड़ी इसमें खेलने के सिलेक्ट हो गए
वो इसके बाद नेशनल गेम के लिए सिलेक्ट होंगे। टॉप 8 जो टीम हमारे सिलेक्ट होंगे नेशनल गेम के लिए होंगे। तो हम सरकार से भी और इंडियन ओलंपिक से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो इन खिलाड़ियों का ध्यान दें, इंस्टीट्यूट है कराटे के अंदर वो खत्म हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम पीटी उषा जी का और मोदी जी का, ये उन्होंने हमारे को आयोजन करने के लिए और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कितना अच्छा भव्य आयोजन करवाने के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमारे डिपार्टमेंट का रहा ओलंपिक का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना भव्य आयोजन के लिए हमारे को ये स्थान प्राप्त किया। थैंक यू।